अब एबीवी के आरोपों पर लेफ्ट से जुड़े छात्रों का भी जवाब आया है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष बालाजी ने कहा है कि हिंसा के पीछे पूजा का विवाद नहीं है। एबीवी ने नॉनवेज को लेकर मेस मैनेजर को धमकाया था, जिसके बाद हिंसा हुई। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष बालाजी हमारे साथ हैं। बालाजी, आप वहां पर मौके पर थे, पूरी घटना क्या थी? घटना बहुत सिंपल है, आपके पास एक चॉइस है खाना खाने का, वेज या नॉन वेज। कोई आपके ऊपर कोई थोपना नहीं चाहता है, वो आपकी चॉइस है। जेएनयू में मंडे को, वेनसडे को, फ्राइडे को, संडे को रात में नॉनवेज मिलता है, और ये प्री डिसाइडेड मेन्यू है। हॉस्टल का जीबीएम, सॉरी हॉस्टल का मेस कमेटी और हॉस्टल कमेटी तय करता है स्टूडेंट्स की अनुमति से, खुद अपने पैसे से। कल 4 बजे एबीवीपी के 30-40 लोग जाके मेस मैनेजर को धमकाया, ये बात कहते हुए कि आज चिकन नहीं बनेगा। और ये बात मेस कमेटी को जब पता चला, जब मेस कमेटी गया, मेस कमेटी के ऊपर हमला हुआ, और जो वेंडर आया चिकन लेके आया, क्योंकि उसको तो टेंडर मिला हुआ ना कि भाई तुम आओ, उसके ऊपर हमला किया गया। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे, मेस कमेटी ने डीन ऑफ स्टूडेंट को शिकायत किया, वो चिट्ठी भी आपके पास है। और 7:30 बजे जब ऑल आवर इस बात को लेके हो रही थी, हमें खबर आई कि एबीपी के स्टूडेंट्स वहाँ के क्यावेरी के स्टूडेंट्स को मारपीट कर रहे हैं। हम तो वहाँ पहुँचे थे स्टूडेंट्स को बचाने, और उसमें मेरे हाथ पे ट्यूबलाइट मारा, मेरे हाथ पे जो पेड़ का लकड़ी नहीं होता तोड़ के मारा, और पत्थर मारा, पैर पे अभी भी चल नहीं पा रहा हूँ। एवीपी वाले हैं या फिर कहें कि राइट विंग वाले हैं, उनका ये कहना है कि रामनवमी की पूजा हो रही थी, वो उसको जो है पूजा को पूरा करके जय श्री राम के नारा लगा के अपना व्रत खोलना जा रहे थे, तो उस दौरान जो लेफ्ट विंग के से जुड़े छात्र हैं वो वहाँ पर आए और हंगामा करने लगे कि ये स्लोगन वगैरह आप क्यों कर रहे हैं। मैं दो चीज़ बोल रहा हूँ इस कैंपस में, ये चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ। मैं 2014 से हूँ, मैं उसका वादा ले सकता हूँ। आप भी जेएनयू को बहुत सालों से कवर कर रहे हैं, कभी भी कोई भी त्यौहार को, हिंदू का हो या मुसलमान का हो या किसी का भी हो, कोई भी स्टूडेंट डिस्टर्ब करते हुए आपने देखा क्या? कभी नहीं हुआ। बहुत तनावपूर्ण सिचुएशन जेएनयू में रहा है, बहुत क्रिटिकल चीज़ें हुआ, बट कभी भी जो इंसान का पर्सनल फेथ है वो उनका फेथ है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मैं पेरियार में रहता हूँ, मेरे हॉस्टल के पीछे जब नवरात्रि होते हैं वहाँ पंडाल लगता है, और जब मुझे अपना एमफिल लिखने की बात थी, जब वहाँ नवरात्रि चलते थे, मैं लाइब्रेरी चले जाता था, क्योंकि वो 9 दिन की उनकी आस्था की बात है, मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ, और हम चले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अचानक ये बात क्यों आ रही है, कल हमने डिस्टर्ब किया, हमने नहीं किया। कल रामनवमी के दिन जेएनयू कैंपस में एबीपी और लेफ्ट विंग के छात्र आपस में भिड़ गए। पूरा मामला रामनवमी के मौके पर हॉस्टल में नॉनवेज और पूजा से जुड़ा हुआ है। देश की बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू में रविवार को जबरदस्त खून खराबा हुआ। कावेरी हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ की गई। जेएनयू में हुई इस हिंसा के अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि कावेरी हॉस्टल में रामनवमी की पूजा को रोकने आए लेफ्ट के छात्रों ने तोड़फोड़ और मारपीट की, जबकि लेफ्ट के छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में नॉनवेज खाने को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने मारपीट की। पहला वीडियो शाम 4 बजे का है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कावेरी हॉस्टल के बाहर लेफ्ट के छात्र जमा हो गए और रामनवमी की पूजा में खलल डालने लग गए। जो लोग पूजा कर रहे थे उन्हें डंडों से पीटा गया। और दूसरा वीडियो 7 बजे के आसपास का है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मेस में नॉनवेज को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने पहले मेस के मैनेजर को धमकाया और फिर नॉनवेज खाने वाले छात्रों के साथ मारपीट की। पूजा को रोकने के लिए आते हैं लेफ्टिस्ट, एनएसयूआई सब मिलके, लेफ्टिस्ट एनएसयूआई कम्युनिस्ट मिलके आते हैं कि अंदर स्टूडेंट्स को पूजा करने के लिए अंदर नहीं जाने देते, पूरा रास्ता को बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि पूजा नहीं चलेगा। मेस है वहाँ पे, हर समुदाय के लोग आते हैं, हर समुदाय के लोग खाते हैं, तो वो एक तरह का पॉलिटिकल इम्पोजिशन था इनका, उसे हम लोग विरोध कर रहे थे। कावेरी के रेसिडेंट्स जितने थे वो सारे विरोध कर रहे थे, लेकिन इन लोग आए वहाँ पे हल्ला मचाए, स्लोगनिंग किए और पत्थर चलाए। पुलिस कह रही है कि इस हुड़दंग और मारपीट में 5 से ज्यादा छात्र घायल हो गए, और छात्रों का कहना है कि 50 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। अब सवाल है कि इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया? जिस यूनिवर्सिटी में पढ़कर देश के बड़े बड़े अफसर मिले, वैज्ञानिक मिले, नेता मिले, उस यूनिवर्सिटी में एक बार फिर
अराजकता का माहौल क्यों है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।